हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर जिग्ना देसाई, स्पिरिचुअल कोच। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के सामने आज आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने नेकेड आई से ऑरा अपना कैसे देख सकते हो। सबसे पहले तो हम जानते हैं ऑरा मतलब क्या होता है। ऑरा मतलब हमारा आभा मंडल, जो एक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हमारे इर्द गिर्द होता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम गॉड गॉडेस को देखते तो उनके पीछे एक चक्र बना रहता है ना, एक लाइट रहती, आभा मंडल होता है, उसे हम ऑरा कहते हैं। जितना बड़ा आपका ऑरा होगा, उतना आपका सक्सेस, पॉपुलैरिटी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ उतना आपका ज्यादा होता है। वैसे ही हर मनुष्य का, हर एनिमल का, हर एक लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, हर किसी का ऑरा रहता है। लेकिन आप अपना ऑरा कैसे चेक कर सकते हो, मैं आज आपको भी डेमो दिखाऊंगी। वैसे ही जैसे मैं बताऊंगी वैसे आपको जरूर ट्राई करना है। एंड चेक करने के बाद आप सभी लोग कमेंट में जरूर लिखना आपका ऑरा कौन से कलर का था, ठीक है। और एक चीज, ऑरा एनालिसिस के डिफरेंट तरीके होते हैं। ज्यादा डीप में अगर आपको जाना है कैसे एनालाइज करना है, क्या है, तो आप कभी भी हमें जुड़ सकते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बट फिलहाल हम सीखते हैं कि ऑरा कैसे देखनी है, राइट। आपको क्या करना है, आपका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड आप ले लो, ऐसे आपको इंडेक्स फिंगर एंड थंब को आपको लेना है, ठीक है। आपने ऐसा पकड़ा, ऐसे आपको एग्जैक्ट अपने आंखों के सामने रखना। अगर हो सके तो पीछे ब्लैंक वॉल रखिए, या फिर अपने सामने भी ब्लैंक वॉल भी आप रख सकते हो, राइट। ये देखिए, आपको दिख रहा है, ऐसे आपको रखना है अपनी दोनों फिंगर्स, थंब एंड इंडेक्स फिंगर आपको रखनी है। कैन यू सी दिस, ठीक है। इतना ऐसे आपको, ऐसे गैप आपको दिख रहा है, पहले आप ज्वाइन कीजिए ऐसे इसको, फिर धीरे 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 हल्का गैप रखना है, फिर आपको कंटिन्यू स्टेयर करना है, आपके सामने रखना है। मैं सिर्फ ऐसे दिखा रही हूं, दिख रहा है आपको, आपको इसको देखना है, ये दो फिंगर्स के बीच की स्पेस को देखना है। बहुत कम स्पेस रखना, ज्यादा नहीं रखना, और पूरा फोकस आपका इस दोनों फिंगर्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फिर यहां पे आपको लाइंस दिखनी शुरू हो जाएगी, फिंगर की लाइंस, तो वो आपकी बॉडी की ऑरा होगी। और एक तरीका है, अगर ब्लैंक वॉल है तो आपने ऐसे हाथ रख लिया, ठीक है, कंटिन्यू रखो और अपने आंखों से इसको स्टेयर करो एक ही जगह पे, तो आपको इसकी ऑरा दिखेगी। अगर आप कंटिन्यू मेरे फेस को भी देखोगे तो शायद आपको भी ऑरा दिखेगी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं ऑरा कैसे आपको देखना है। अभी कुछ सिंपल मैं ट्रिक्स बता देती हूँ, मतलब ऑरा के बारे में बताती हूँ। अलग अलग ऑरा का अलग अलग मीनिंग होता है। अगर किसी का व्हाइट ऑरा है तो बहुत ही स्पिरिचुअली ब्लेस्ड है, डिवाइन है। पर्पल है तो वो भी स्पिरिचुअल है। येलो है तो कॉन्फिडेंस है। फिर रेड कलर हो गया, रेड कलर की ऑरा दिख रही तो बहुत ही पावरफुल है। ब्लू कलर है, उसका कम्युनिकेशन इंटेलिजेंट है। येलो कलर है, वो भी इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही अच्छा। वैसे हर एक कलर के ऑरा के प्रकार होते हैं, ये मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। तो वैसे ही आप अपना ऑरा चेक कर सकते हो। एंड ऑरा के द्वारा आप ये भी देख सकते हो, जब हम ऑरा एनालिसिस सीखते तभी हम सीखते कि ऑरा के थ्रू किसी पर्सन का ऑरा देख के आप कैसे पता लगा सकते हो कि इस पे कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है या इविल है ये। फिर उसके बाद हम उसका ऑरा क्लिंजिंग करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना डिफरेंस आता है ऑरा क्लिंजिंग के बाद। सो ये बहुत ही सिंपल तरीका था, आप सभी लोग को ट्राई करना है। मैंने बताया ऐसे आपको फिंगर्स रखनी है, कंटिन्यू स्टेयर करना है, आपको धीरे धीरे करके लाइन्स दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये जरूर चेक करना है। एंड प्लीज कमेंट मी इन द सेक्शन सो दैट मुझे पता चले कि आपका कौन से रंग का ऑरा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर एंड मोर वीडियोज। थैंक यू।